मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ भैया, जितना पैसा था उतना हमने कराया है। आपको बहुत चिंता है, बहुत दर्द है आपके अंदर, दर्द वो हमारे अंदर भी है, बट क्या करें, क्योंकि पैसा हमारे पास जितना था उस हिसाब से हो पाया। आपके अंदर बहुत दर्द है, आप पैसा दीजिए, हम बाकी जितने हिस्से बचे हुए नीचे से लेके ऊपर तक, दाएं से लेके बाएं तक, हम सारा वनगो में करा देंगे। सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। जिस जिसको दर्द है कृपया आप पैसा भेजिए, हम इसको जरूर कराएंगे। बट डोंट कॉमेंट ऑन माई फैमिली, ये पहले भी मैंने बहुत बार बोला है, इसकी ना परमिशन हमने किसी को दी है, ना मैं आज देता हूँ, ना मैं आगे कभी दूंगा, प्लीज। हाँ जो सम से कह रही हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ, ये ना लास्ट वार्निंग है, ये सच में लास्ट वार्निंग है। इसके बाद मैं आपको कोई वार्निंग नहीं दूंगी, एंड बहुत अच्छे से फिर मेरे को पता है कि लीगल कैसे जाना है और लीगली क्या करना है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसको मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि देखो मैं बोल बोल के थक गई। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ आपके बच्चे भी अचानक से, उनको ऐसा कभी भूत सा चढ़ता होगा कि और अचानक से खूब सारा प्यार करने लग जाते होंगे। तो धनवी कभी कुछ वैसा ही हुआ, आराम से खेल रही थी, सडन आई और मुझे बहुत ज़्यादा पुच्ची करने लग गई, मेरे साथ खेलने लग गई, इंजॉय करने लग गई। सो मैंने ये थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया और आप सभी के साथ सोचा शेयर करूँ। क्या आपके बच्चे भी कभी कभी ऐसे करते हैं, उनको भी ऐसे ही अचानक से अपनी मम्मी पे प्यार आता है? तो कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे लगता है ना कि हर सुख है अल्लाह एक तरफ, और अपने बच्चे को सामने ऐसे बड़े होते देखना और खेलते, मतलब हर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड उसके बाद यहाँ आया है एक प्यारा सा गिफ्ट, जो सासू माँ और ससुर जी बैठ के अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये गिफ्ट स्पेशली पापा जी के लिए आया है, बिकॉज़ पापा जी जो है हमारे ना, वो थोड़े से जैसे पुराने चीज़ों में ना बहुत यकीन रखते हैं। तो ये किस पीतल के बर्तन, जिसमें खाना हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एंड ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है मार्केट में, ये हमने 6500 का ऑर्डर किया था पापा जी के लिए, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। एंड मम्मी वही उनको दिखा रही थी और वो मतलब बहुत खुश हो गए थे, बहुत एक्साइटेड हो गए थे ये देख के। ये छोटी छोटी चीज़ें अपने पेरेंट्स के लिए करनी चाहिए। हम तो अपनी लाइफ सारी चीज़ें बहुत कुछ अपनी पेरेंट्स की खुशी के लिए हम सोचते हैं, चलो ये भी ये भी ये भी। तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा पापा जी को, वो इतना खुश हुए कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अरे वो दे देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? और अभी मैं थोड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है मेरा चेहरा, बोलो कुछ। अरे धनवी ने बोला, धनवी ने बोला घूमी जा रहे। कहाँ जा रहे हो धनवी? घूमी कहाँ जा रहे हो बता दो। और पहले सबको बोलते हैं हेलो, बोलो हेलो, बोल दो हाय गाइस, ऐसे बोलो, ऐसे देख के बोलो हाय गाइस। सो गाइस, मैं पतिदेव और धनवी निकल गए हैं टेलर के पास जाने के लिए। टेलर के पास हम जा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज होके, बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही है। तो हम लोग निकल गए, मैं सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, जो भी होगा वो सब आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आज कल आज ही ऑफिस से 4 बजे आ गए थे। क्यों आ गए थे? दिल्ली में फ्लड का वो है, फ्लड है काफ़ी जगह, तो इस वजह से एडवाइजरी है कि वही वो किया जाए। तो इसीलिए जल्दी आ गए थे, और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं। देन टेलर के पास से मैं आई, तो यहाँ पे मैं बना रही थी रात को खाने में एक ना प्याज की बहुत ही टेस्टी सी मतलब सब्जी बनती है, तो मैंने सोचा बनाती हूँ। यहाँ मैं भाग गई पता है क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे मैंने मिर्च डाला, और जब मिर्च फूटता है ना तो बहुत ज़्यादा आँख में लगता है, तो इसलिए मैं इधर उधर भाग भाग के दूर दूर से चला रही थी। ऐसे कौन कौन करता है, क्योंकि मेरे साथ ना कई बार हो चुका है इसीलिए। कौन कौन? स्कूटी अंदर कर दे, दोस्त को दे दिया। क्या छोड़ने कौन जाता उसे? मैंने कहा तू स्कूटी ले जा मेरे को छोड़ के। तो कपड़े लाया है सुबह?
शर्ट दे देना यार, गरीब आदमी को पैंट भी नहीं मिली। कौन है धनवी? पूछी दादा, पूछी दादा, ये बड़ी कैसे हो गई 2 मिनट में ही है भाई। गाइस कल रात को आया हुआ था भाई, अभी चला गया है, सभी लोग ऑफिस गए, बस ये नहीं गए हैं आज बिकॉज इनका ऑफिस दिल्ली में है, तो वहाँ पे फ्लूड का आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसीलिए इनकी छुट्टी है, छुट्टी क्या, वर्क फ्रॉम होम है। बाकी सभी लोग गए हैं अपने अपने ऑफिस और मैं आ गई हूँ अपना वही काम, डेली यूज वाला, डेली वाला जो काम है उसमें। अभी मैं ये सारे कपड़े जो गांठ लेके आई थी ना, इसमें से छाटूंगी और वॉश करूंगी, क्योंकि आज डीप क्लीनिंग होगा, सारी साफ़ सफाई होगी। आप सभी को पता है परसों पूजा है, तो अच्छे से साफ सफाई कर देते हैं, थोड़ा पूजा पाठ में अच्छा होता है। और वह सब कोशिश कर रहे हैं जल्दी से शिफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, खुशी है एंड बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे चैनल पर, सो उनको भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से लाइफ में मैं इतनी पॉजिटिव होती जा रही हूँ, मैं इतनी मैच्योर होती जा रही हूँ, बिकॉज ऐसे कुछ नेगेटिव लोग हमारे आसपास नहीं होते, ऐसे कमेंट नहीं करते, तो शायद मैं इतनी जल्दी अपने आप को मैच्योर नहीं कर पाती, है ना। तो आसपास आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और बाकी जिसको प्रॉब्लम हो रही है उनको होती रहे प्रॉब्लम, एंड बस भगवान का साथ है। और अच्छा, मैंने किसी के बारे में गलत नहीं सोचा है, तो भगवान साथ दे रहे हैं एंड सारी लाइफ की छोटी चीज़ें जो सोची थी, जैसे समझी थी वैसे पूरी हो रही है, है ना। और बस मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी अपने ही इसी ब्लॉग में, कि कुछ लोग हैं ना वो इतने ढीठ होते हैं कि वो बंदे समझ ही नहीं सकते हैं उनको, मतलब कैसे भी समझा लो समझ नहीं सकते हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बना के डाला था और मैंने लास्ट वार्निंग दी थी कि मेरे नाम से जो ये चैनल खोल रखे हैं, एक मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रही हूँ आप देख सकते हो, तो इन्होंने तुरंत जब मेरी वो वीडियो पब्लिश हुई थी ना, तो तुरंत इन्होंने क्या किया, वो अपनी आईडी का नाम चेंज कर दिया। और इनको लगा कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं 5 दिन बाद भूल जाऊँगी और मैं देखूँगी नहीं। फिर जब मैंने देखा तो वो फिर से उन्होंने मेरा ही नाम डाल दिया और फिर से मेरी ही वीडियो सारी पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी। मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं है कि मतलब आप सक्सेस ना करो, अरे आप करो, आप खूब मेरे से भी बहुत आगे जाओ, लेकिन आप दूसरों के कंटेंट को यूज़ करके मत जाओ, आप अपने कंटेंट को बनाओ, अपना जो कंटेंट है वो लेके आओ, अपने चीज़ें। हम भी तो यार मेहनत करते हैं ना, हम किसका कंटेंट कॉपी करके अपने चैनल पर डालते हैं, नहीं करते हैं। हम भी अपनी ब्लॉग के लिए सोचते हैं ऐसा क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें, है ना, हर चीज़ हम अपने ब्लॉग के लिए सोच समझ के सारी चीज़ें करते हैं, हम नहीं करते ना किसी कॉपी, तो आप क्यों ऐसे करते हो। और मतलब ये कसम से कह रही हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ, ये ना लास्ट वार्निंग है, ये सच में लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं आपको कोई वार्निंग नहीं दूंगी। एंड बहुत अच्छे से फिर मेरे को पता है कि लीगल कैसे जाना है और लीगली क्या करना है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसको मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि देखो मैं बोल बोल के थक गई हूँ, तो मुझे अब धमकी देना पड़ेगा, धमकी ही सोच लो आप, क्योंकि अब मैं लीगल जाऊँगी, बिकॉज अब मैं ऐसे वीडियो बना बना के नहीं बोलूँगी, अब मैं डायरेक्ट लीगल जाऊँगी और जो भी है वो लीगली जो भी चीज़ें होंगी, जो भी कोई भी मेरे नाम को यूज़ करके अगर यूट्यूब पे चैनल बना रखा है और मेरे नाम को यूज़ करके कोई कंटेंट डाल रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो मेरे को बर्दाश्त नहीं है। आप अपना कंटेंट लेके आओ, अपने अकॉर्डिंग अपनी वीडियो बनाओ, और चाहे आप इस चीज़ को मेरा घमंड बोलो, एटीट्यूड बोलो, कुछ भी बोलो, क्योंकि कुछ लोग चलो सही वे में मेरे चीज़ों को यूज़ करते हैं, कुछ लोग बहुत नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं, तो किसको गुस्सा नहीं आएगा। देखो मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे बारे में कोई गलत बोलेगा तो मुझे भी गुस्सा आएगा, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता है कि देखो आप कुछ गलत बोल रहे हो तो इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको 100% चीज़ें नहीं पता है, इसलिए आप गलत बोल रहे हो। जिस दिन शायद पता चल जाएगी उस दिन आप नहीं बोलोगे, तो लेकिन वो पता चलने तक तो बोलोगे ही बोलोगे, तो इसीलिए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं। जैसे 2.5-3 साल में बहुत सारे लोग जो कुछ नेगेटिव थे मेरे लिए, उनकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव में बदल गई, तो अभी भी जो थोड़े बहुत नेगेटिव लोग हैं उनकी थिंकिंग भी आगे आने वाले कल में जब धीरे धीरे सोचेंगे समझेंगे सारी चीज़ें तो पॉजिटिव में बदल जाएगी, मुझे यकीन है। तो बस लाइफ को पॉजिटिव जीना है, रहना है, करना है और मस्त खाना पीना है, लाइफ को इन्जॉय करना है और काम करना है, बहुत सारा काम करना है, अभी बहुत सारे सपने पूरे करने हैं, बहुत आगे जाना है,
बहुत सारी चीज़ें करनी है। चलो अब काम कर लेते हैं। बहुत तो यहाँ पे मैं सारा जो सामान है वो देखने लग गई, जो भी ब्लाउजेस थे, सूट थे, साड़ी थे, सारी चीज़ें एक जगह अलग अलग अरेंज करके रखना था, धीरे धीरे ही करना था सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि यार आराम आराम से ही करूँगी, ये सब वॉश भी करना है मुझे, धीरे धीरे करके ही करूँगी। और भाई इसलिए आया था ना कि मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ ना कांवर की वजह से सारे जो रास्ते वो ब्लॉक हो गए, बंद हो चुके हैं, तो उसको बहुत दिक्कत होती, ढाई ढाई घंटे लग जा रहा था आने और जाने में। तो उसके जो मैनेजर है उनको पता था कि उसके से मतलब मैं यहाँ पे रहती हूँ नोएडा में, उसका ऑफिस भी नोएडा में ही है, तो उन्होंने बोला फिर तुम अपनी ड्रेस दिखा दो, हाय गाइस भी बोल दो, वीडियो बनाओगे? हाँ लो बना, पकड़ो कैमरा, तुम आपकी तरफ है ना बेटा, कैमरा तो आपकी तरफ है ना बादल। सो यहाँ पे डीप क्लीनिंग वाले भैया आ गए हैं, तो वो सारी चीज़ें क्लीन कर रहे हैं, डस्टिंग वगैरह, वॉशरूम, सारी चीज़ें। तो ऊपर ऊपर से ना साथ में मैं भी लगी हुई हूँ, बिकॉज ये कोई चीज़ ऐसे होती है ना ज़रूरत की जो हमारे काम की होती है, तो वो ना फेंक जाए तो। और यहाँ धनवी को देखो, वो बैठ के अपना लिपस्टिक लगा रही है, ये मतलब अलग ही बिजी रहती है अपने गेम में, अपने खेलने की चीज़ों में। आज तो मौज आ गई आपकी, छुट्टी में मौज गई, छुट्टी कट गई। छुट्टी क्यों कट गई, ऑफिस में दिया है ना, तो कटेगी। उठा उठा के रख रहे हैं अपना, सब वेस्ट है, देख। सो गाइज, ये है हमारा डाइनिंग टेबल, आपने देखा होगा ब्लॉग जब लेने गए थे मम्मी वगैरह हम लोग। और उसके बाद ना ये डिलीवर हो गया था, उसके बाद हमने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की थी, आज हो रही है इसकी अनबॉक्सिंग, मतलब आज ओपन हो रहा है। और ये हमने कस्टमाइज़ कराया था ऑर्डर पे, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बनवाया था। अभी जब सारा ओपन हो जाएगा तो हो सकता है इसी ब्लॉग में या नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही, मुझे तो बहुत ही पसंद आता है। और ये हस्बैंड का मेरे दिमाग है, उन्होंने एक एक चीज़ अलग से कस्टमाइज़ कराई थी। तो यहाँ पे ये भैया सारा कुछ ओपन कर रहे हैं, ठीक है भैया। सो गाइस, यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, डाइनिंग टेबल हमारा खुल रहा है, मैं दिखाऊंगी। और कबाड़ देखिए कैसा लग रहा है आपको, अभी ये बिजी है और धीरे धीरे सारी चीज़ें हो रही है। मैं आई थी पता नहाने के लिए, सारे कपड़े वपड़े भी लेके आ गई थी, फिर इन्होंने बोला कि रहने दो, सब साफ सफाई हो जाएगी तो एक ही बार नहाएंगे अच्छे से, ठीक ठाक से, क्योंकि डस्ट तो उड़ ही रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी अच्छे से क्लीन वगैरह, तो थोड़ा सा तब थोड़ा निकल के आएगा। अभी आज मिरर वाले भैया भी आएंगे, जो मिरर का काम है मेरे वॉक इन ऑर्डरों का वो करेंगे, और ड्राई क्लीन वाले आएंगे जो ये बेड वेड टाइप की ड्राई क्लीन करेंगे। तो ये सट्ठी भी खुलेगा, सब कुछ खुलेगा, हम धीरे धीरे आपको दिखाएंगे। देन यहाँ पे आ गई थी मम्मी, और उसके बाद मम्मी यहाँ पे सारा काम वगैरह करवा रही थी, मतलब देख रही थी क्या है कैसे। दरवाजे का ना ये स्ट्रिप, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि निकल रहा है, तो उन भैया को दोबारा हमने बुलाया था लगाने के लिए, तो वो आज आए थे और वो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रहे थे, आप देख सकते हो लगा रहे थे फिर से वापस। तो गाइज, ये आप हाल देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया कि आप सभी के साथ शेयर करूं कितना कबाड़ निकला है, ऐसा लग रहा है कि बाप रे। और ये जब निकला है, जब ऑलरेडी एक बार डीप क्लीनिंग हो गई है, ये दूसरी बार हम करा रहे हैं, तब जाके इतना कुछ निकला है। ये मतलब ऐसे ही हो जाता है, घर फैल ही जाता है। और ये आप खुद बताओ, हमारे बस की करना तो था ही नहीं, इसलिए हमने सोचा कि बाहर से उनको बुला के, वैसे ये कंपनी होमलेन की तरफ से ही है, तो उन्होंने ही मतलब भेजा है, तो वो ये कर रहे हैं। अब ये सब कुछ साफ़ सुथरा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, तब मुझे लगता है घर बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी तो मैं आप सभी के साथ दिखाऊंगी ही सारी चीज़ें, बट अभी मेरा ना सर दुख रहा था ये देख देख के ही, क्योंकि ऐसा लग रहा था कितनी सारी इसमें काम की चीज़ें ना चली जाएं, तो इनके साथ साथ रह के सारी चीज़ें देखना भी पड़ रहा था, चुनना भी पड़ रहा था, कि मतलब होता है ना कुछ काम का इधर गिरा हो तो चला जाए। अभी फ्रिज वगैरह भी साफ़ कराना है, तो बस ब्लॉग यही चल रहा है।
आज आप छुट्टी के मजे लेते हुए पतिदेव हमारे छुट्टी के मजे हो रहे हैं ना, आदमी सुबह से ना आया है ना कुछ किया है, घर के काम में लगे हैं। सो खैर एनीवेज, अपने घर का काम है तो उसमें क्या रिग्रेट होना चाहिए। फाइनली आई थिंक आज सब कंप्लीट हो जाएगा, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। बहुत सारी चीज़ें अभी भी रह गई हैं आई नो, बट वो आदमी एक बार यूज टू होता है, रहने लगेंगे यहाँ पे जैसे जैसे चीज़ें और रिक्वायरमेंट आएगी वो करेंगे। एंड फाइनली आई थिंक इंटीरियर जैसे सोचा था वैसा निकल के आया है। बहुत लोगों ने बहुत तारीफ की है ना। यस वी आर क्वाइट हैप्पी विद इट। एंड उस वाले रूम का जो कलर था आप कह रहे थे लोग एक दो लोग कहते चेंज कराने के लिए, अभी थोड़ा सा वो हमें भी लग रहा था बट नाउ आई थिंक अब सामने से देखते देखते अच्छा लगने लगा, आपको भी देखते देखते अच्छा लगने लगेगा। एंड अभी चेंज हुआ है सो फिर दोबारा से उस पर कोई और अगर कलर करवाते हैं तो वो आई थिंक आएगा नहीं, वो कुछ और ही हो जाएगा। सो बेस किसी भी नए कलर को कराने के लिए बेस हमेशा वाइट होना चाहिए, तभी जाके वो नया कलर आ पाएगा। वैसे भी हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, पेंट का काम तो हमें आई थिंक हर दूसरे तीसरे साल में कराना पड़ेगा। सो नेक्स्ट टाइम जब पेंट का काम कराएंगे तो डेफिनेटली चेंज उसको चेंज करा देंगे। बट येस आई थिंक इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक ऐसा काम है जिसमें जितने पैसे लगा दिए जाएँ, जितनी चीज़ें कर दी जाएँ उतना ही कम लगता है। बट स्टिल आई वुड से कि एक एक्सपर्ट की हेल्प डेफिनेटली, एक्सपर्ट से ज़्यादा तो आपने अपना दिमाग लगा दिया। नहीं बट एक जो वो होती है ना वो पहला थॉट, वो एक्सपर्ट थॉट जो होता है उससे आपको बहुत हेल्प मिलता है जनरली, जो कि हमें भी इसमें मिला। पहले वाला भी तो जो इंटीरियर हुआ था वो इन्होंने कराया था, इतना वेस्ट हुआ ना उसका तो बस पूछो मत, ऐसी ऐसी लकड़ियां वेस्ट। डेफिनेटली आई एम नॉट फ्रॉम दैट फील्ड बट यस होमलाइन से जो हमें हेल्प मिली। हम अच्छे से वीडियो बना के रिव्यू शेयर करेंगे जब अपना ये पूरा होम टूर देंगे ना, तो हम एक एक चीज़ बताएंगे है ना कि कौन सी चीज़ है, किसका क्या प्लान दिमाग था। गेट लोगों को बहुत पसंद आया तो गेट का सारा दिमाग मेरा था, एक एक चीज़ मैंने नेट से ढूंढी थी क्या कहाँ कैसे होना चाहिए। और वो किसी ने बोला था फ्लश डोर भी लगाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा फ्लश डोर है, नहीं फ्लश डोर है, फ्लश डोर के ऊपर हमने विनियर ही लगाया, लगा उससे भी बहुत मजबूत आता है। प्लस जो किसी का सजेशन था आई थिंक ये इसका जो वुड होता है नाम याद नहीं आ रहा, टीक वुड का डोर लगवाने से, तो वो बहुत ही हैवी होता है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, प्लस उसमें टर्माइट वगैरह लगने का डर होता है। जो फ्लश डोर आते हैं इसके ऊपर फिर आप विनियर वगैरह लगाना है, तो आई थिंक आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो बिकॉज अगेन आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, बट मुझे ऐसा लगता है शायद इसमें टर्माइट वगैरह का उतना रिस्क नहीं रहता है। एंड आज के लिए ट्रेंड में है तो हमने ये लगाया, अगली बार देखेंगे अगर कभी मौका लगे। अगली बार बाप रे, अब इंटीरियर में बैंड बज गई है, हाँ तो धीरे धीरे कराएंगे ना भाई, धीरे धीरे कराना पड़ेगा। जिसको ज्यादा सिंपैथी है, अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, जिसको बहुत लोगों के अंदर उत्सुकता हो रही है कि घर के एक पर्टिकुलर हिस्से का हो रहा है दूसरे का क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ आज, आई थिंक पता नहीं किसी ने कहा होगा या कोई आगे कहेगा नहीं कहेगा, लेकिन मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ भैया जितना पैसा था उतना हमने कराया है। आपको बहुत चिंता है, बहुत दर्द है आपके अंदर, दर्द वो हमारे अंदर भी है, बट क्या करें क्योंकि पैसा हमारे पास जितना था उस हिसाब से हो पाया। आपके अंदर बहुत दर्द है, आप पैसा दीजिए, हम बाकी जितने हिस्से बचे हुए नीचे से लेके ऊपर तक, दाएं से लेके बाएं तक, हम सारा वनगो में करा देंगे। सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम, जिस जिसको दर्द है कृपया पैसा भेजिए, हम इसको जरूर कराएंगे। इन्हीं के धड़ाके वाला जवाब का आप लोग इंतजार करते हो। मैं प्यार से समझाती हूँ तो लोगों को समझ ही नहीं आता है, मैं घुमा फिरा के समझाती हूँ, समझाइए। अपना क्लियर बोल देते हैं ना तो फिर बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाती है और फिर सब लोग बोलने लगते हैं इनके हस्बैंड बहुत रूढ़ बात करते हैं, बहुत रूढ़ बात करते हैं, मजबूर करते हैं। हाँ बट कमेंट ही कुछ लोग ऐसे कर देते हैं ना कि हमें रूढ़ बात करने पर। एक चीज और, जो मसाला आप मेरे घर में देखना चाह रहे हैं वो आई एम सॉरी गाइस बट नहीं मिलेगा, आप अपने घरों में शायद ऐसा मसाला देखते होंगे, इसलिए आपकी सोच ऐसी है, आपके कमेंट्स इस तरीके के होते हैं क्योंकि वो कहा जाता है ना कि सावन के अंधे को हमेशा हर जगह हरा ही नजर आता, तो वही हिसाब किताब आपके साथ है क्योंकि आप अपने निजी जीवन में शायद उस तरीके के हैं, इसलिए आपको हम हमारे परिवार के और सदस्य उस तरीके से देखते हैं। बट मैं कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि मुझे आपको क्लैरिफिकेशन देना क्यों है, आपको जो सोचना स्वस्थ रहिए। ये था इनका तड़कता भड़कता जवाब, ये उन नेगेटिव लोगों के लिए जो मतलब फालतू के मिर्च मसाला ढूंढते हैं, फालतू के कमेंट करके, और मतलब ये मुझसे ये उम्मीद करते हैं ना कि मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके रोती क्यों नहीं हूँ, सिंपैथी कार्ड क्यों नहीं खेलती हूँ, बेचारी क्यों नहीं बनती हूँ, तो वो हम लोग नहीं कर सकते हैं भैया, हमसे नहीं होता है। भगवान ने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, भगवान ने बहुत 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 कुछ दिया है, तो बिना काम के रोना नहीं है मुझे, बिना काम के वो नहीं करना है। तो उसलिए लोगों को बुरा लगता है, कुछ लोग हैं जिनको बुरा लगता है और वो नेगेटिव कमेंट करते हैं कि क्यों ये हंसते रहते हैं हमेशा, क्यों खुश रहते हैं, क्यों सबके साथ वो करते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जवाब दे दिया आज पतिदेव ने।
ये इनको मैं धीरे से बोलती भी हूँ कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर जब इनको दिखता है तो फिर ये चुप नहीं हो पाते हैं, अपना बोल देते हैं। तो उन लोगों के लिए स्पेशली आज का ये वीडियो है जो नेगेटिव बोलते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ और आ रहे हो कहने? कहने रुको एक मिनट, ब्लॉग हैंड मत करो। कहने ये नहीं है ना, कहने ये है कि देखिए मैं भी पर्सनल जीवन में हूँ नहीं ऐसा इतना रूड है, मैं बिल्कुल रूड नहीं है, बहुत ही काम बहुत ही पोलाइट इंसान हूँ, बट पॉजिटिव। आप सबको पता है पहले भी कितनी बार मैंने ये चीज़ कही है कि हमारे फैमिली ब्लॉग्स हैं डेफिनेटली यस, एंड न सिर्फ हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स में हमारे पेरेंट्स, बहुत सारे रिश्तेदार लोग भी ब्लॉग्स देखते हैं, ब्लॉग्स के ऊपर जो लोगों के कमेंट होते हैं वो देखते हैं। ब्लॉग में गलती होती होगी, कमी होती होगी, आई एम नॉट डिनाइंग विद दैट, बट उस चीज़ जो चीज़ें शायद नहीं भी होती हैं, लेकिन वो कमेंट में इतना ज़्यादा लोगों की तरफ से आ रहा होता है कि सामने वाला जो तीसरा इंसान जो देख रहा होगा, जो इन सारे फैक्ट्स से, इन सारी चीज़ों से मतलब बेखबर है, कहीं दूर बैठ के हमारे वीडियोज़ देख रहा है, वो शायद हमारा रिलेटिव ही क्यों ना हो, उसको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि अच्छा 100 लोग ऐसा कॉमेंट कर रहे हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा, सो इट अफेक्ट्स। इसीलिए आप किसी का हेल्प नहीं कर सकते, तो किसी को ऐसे डिमीन मत कीजिए, किसी को ऐसा पुल बैक मत कीजिए, सपोर्ट करना चाहिए। आपको पसंद आता है, आप हमारे वीडियोस देखिए, अपने थॉट्स हमसे शेयर कीजिए। वीडियोस की क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट करना है, डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम फॉर इट, उसमें आपका सजेशन होना चाहिए, वीडियो ऐसे नहीं ऐसे बनाया जाए, उसमें ये दिखाया जाए वो दिखाया जाए, बट डोंट कॉमेंट ऑन माई फैमिली। ये पहले भी मैंने बहुत बार बोला है, इसकी ना परमिशन हमने किसी को दी है, ना मैं आज देता हूँ, ना मैं आगे कभी दूंगा। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गुस्सा समझ लीजिए, प्यार समझ लीजिए, विनती समझ लीजिए, बट डोंट कमेंट ऑन माय फैमिली एट ऑल। बाय बाय। और है जो आपसे हम बोलना चाहेंगे? खैर वो तो रूड लोगों के लिए रूड कमेंट, बट देखिए जो लोग इस ब्लॉग से, इस चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा हमारा घर अभी कुछ टाइम पहले ही बना है, एंड उसमें 2 साल भी नहीं हुए ना अभी, तो 2 साल भी नहीं हुआ आई थिंक, एंड उसमें हमने सोचा था पहले भी कि एक साथ ही सारी चीज़ें सारा काम करा लिया जाए, बट यस हमारा बजट इशू था, वो कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, बजट इशू हमारा था जिसकी वजह से चीज़ें स्कैटर्ड हुई, कुछ यहाँ का कुछ वहाँ का, कुछ इस रूम का कुछ उस रूम का, कुछ इस फ्लोर का कुछ उस फ्लोर का, कुछ आगे का कुछ पीछे का, इस तरीके से चीज़ें करवाई गई जिसकी वजह से कोई भी कोना, कोई भी फ्लोर, कोई भी रूम ठीक से नहीं हो पाया था, एंड वही रीज़न था कि 2 साल के अंदर फिर से हमें चीज़ें तोड़वा के इंटीरियर वगैरह दोबारा कराना पड़ा, तो इसलिए इस बार थॉट बिल्कुल क्लियर था हम फ्लोर बाय फ्लोर जाएंगे, और ताकि एक फ्लोर पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए जिससे कि उस पर कोई और चीज़ करवाने की गुंजाइश ना बचे। इसीलिए प्लीज़ कमेंट करने से पहले आप अपने दिल की भड़ास निकालिए, लेकिन ये भी सोचिए कि आपके दिल की भड़ास निकालने से सामने वाले को भी दुख पहुंचता है, आफ्टर ऑल वी आर आल्सो ह्यूमंस, इतने विलन लगते हैं, तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन जिनको हम विलन लगते हैं, अपना खून ना जलाएं हमारे पीछे, बेहतर यही रहेगा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और हमारे चैनल से बिल्कुल दूर रहें, शायद नेगेटिविटी आपको बहुत मिल रही है हमारे चैनल के थ्रू, आपसे हमको बहुत नेगेटिविटी मिल रही है, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप हमसे दूर रहें, हम तो आपसे दूर हैं ही ऑलरेडी। बहुत बहुत धन्यवाद, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। अब आ जाओ, जिस चीज़ को मिर्ची लगी है कमेंट में भर भर के कमेंट करो, हम लोग मस्त नेक्स्ट वीडियो फिर उसी कमेंट पे लेके आएंगे और अच्छे से आपको फिर जवाब मिलेगा सारी चीज़ों का। बाय बाय।